जिस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम हेल्थ प्लस लाइव दे विच विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। एक बारी फिर साडे नाल जुड़े हैं फ्रॉम डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज उन्होंने करते धरते डॉक्टर नीलेश सोनी एंड डॉक्टर पल्लवी सैनी। तुहानू दोनों नू प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Good to have you both, Dr. Soni, Dr. Sani. Once again, welcome to the show. Dr. Soni, to see sade viewers de naal vak vak physical therapy the benefits and khaas karke oh jankari share karde ho jide naal unna nu thodi ji awareness hoye ki kis tarah apne lifestyle nu adjust kar sakde hai, preventative care ho sakdi hai, agar koi eho ji issue unna nu aanda hai jo physical therapy rahi correct ho sakda hai, ode bare vi apan jankari share karde ha vak vak body एरियाज ही आप गल करते हैं। बट आई थिंक इस हफ्ते आप एक यहोजी एरिया की गल कर जा रहे हैं जो रेगुलर यूज भी होंगे भावें थोड़ी प्रोफेशनल या परसनल चॉइस होए इस चीज़ में एंड इन सब तो ज़्यादा नगलैक्ट भी किया जाता है। आई थिंक जो आप शोल्डर पेन की गल करते हैं एक यहोजा एरिया दैट लोग बहुत छेती डिसमिस कर देंगे हैं या इनू मिस ट्रीट करते लाइक नहीं मेरी गर्दन का या मेरी बैक का कुछ इशू हैगा बट शोल्डर पेन in itself is something jo tusi bahut frequently vekhde ho and nu treat bhi karde ho in your clinics all over New York. So Dr. Soni, let's start with shoulder pain. Khaas karke jadon aap frozen shoulder di gal karde hain tode layi common term hai toda shoulder jam ho janda hai, frozen shoulder nu kiya janda hai, ede bare sanu dasso please. Good evening to all viewers. एंड हाँ मोटे का जो प्रॉब्लम है वो सब एज ग्रुप को होता है। आई हैव सीन पेशेंट्स यंग पेशेंट जिनको जैसे क्रिकेट खेलने से यू नो इंजरी होता है, यंग पेशेंट दैट वर्क लाइक लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह रखने जाते हैं चकते हैं तो, या फिर पीपल हु हैव आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी बट उनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है और फिर व्हेन दे रीच देयर अर्ली 40s तो उनको ये शोल्डर की बीमारी या शोल्डर की प्रॉब्लम शुरू होती है। वन इंटरेस्टिंग टर्म व्हिच व्यूअर्स मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम देयर यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर की है तो फ्रोजन कोई आइस नहीं बनता फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर व्हिच इन फैक्ट द फ्रोजन मींस वो जगह का जो जकड़ जाना बेसिकली एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ सब चेंजेस इन द बॉडी एंड वो ज्यादातर लोगों को मींस पीपल इन द लेट 30s और अर्ली 40s से शुरू होता है एंड इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप बट इट अफेक्ट्स मोर इफ आप अगर कोई भी चीज यू नो आपके काम में बारी बारी उठाना होता है कुछ भारी चीज उठाना या हम जिसको बोलते हैं माइक्रो ट्रॉमा होता है आपको अगर वो चीज आप ज्यादा करते रहो तो आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू दैट इन लिटिल डिटेल विद यूज ऑफ सम विजुअल्स एंड इफ वी कैन हैव दोस विजुअल्स प्लीज। जी या सो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके मोड़े के मसल्स है। जैसे आप देख सकते हो कि देर आर फ्यू मसल ग्रुप्स उसमें से जो आपकी शोल्डर को मेजर इफेक्ट करता है वो जो आपके बाजू को साइड में लेता है वो डेल्टॉइड है और जो आपके सीने के इन फ्रंट होता है वो पेक्टोरिस मेजर जिसको बोलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर आप ये देखो जो शोल्डर की हड्डियां होती है वो एक बॉल और कप होती है। जैसे आपके ये आपके बाजू का जो हड्डी होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं और उसका ऊपर का हिस्सा बॉल जैसा है जो आपकी शोल्डर ब्लेड की एंड को मिलता है वो जो बनता है शैलो कप। तो शोल्डर जॉइंट बेसिकली वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कप के अंदर बॉल घूम रहा है ऐसे ऐसे ये जॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब ये फ्रोजन शोल्डर दिख रहा है, ये तस्वीर आपकी जो आपकी स्क्रीन पर है वो फ्रोजन शोल्डर की है। शोल्डर के इर्द गिर्द जो हड्डियों के इर्द गिर्द सोचिएगा एक प्लास्टिक बैग हम भगवान ने दी है। प्लास्टिक मटेरियल की नहीं होती, हमें सोचना है जैसे कैसी बैग है जो अगर वो उसका फंक्शन ये है कि जो अंदर की चीजें अंदर रखे बाहर की चीज बाहर रखे वो जैसे वो एक पार्टीशन है अगर वो जकड़ जाए
जैसे हम इंडिया में बोलते हैं फेविकॉल, सोचो उसके बीच फेविकॉल लग जाए तो वो जितना मूवमेंट अलाउ करती है वो अलाउ नहीं करेगी, और उससे आपके शोल्डर की मूवमेंट, आप जैसे कि कुछ आप अपने हाथ को उठाकर कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होगा, या बाल बनाने में प्रॉब्लम होगा, या आपके पॉकेट मीन्स वॉलेट निकालने में प्रॉब्लम होगा, बेल्ट पहनने में प्रॉब्लम होगा. सो यू हैव ऑल दिस मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर. पल्लव, यू वांट टू चाइम इन? या फ्रोजन शोल्डर जो तो स्टार्ट होता है, यूजुअली इट टेक्स अ फ्यू स्टेजेस. यूजुअली इदियां तीन स्टेजेस होंगे हैं. द स्टेजेस, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग स्टेज, जेदे विच के पेन ज्यादा मेन सिम्टम होता है. कई बार पेशेंट्स इस पेन नु इग्नोर कर जाते हैं कि ओ थोड़ा पेन है, ठीक हो जाएगा, कभी मेडिसिन खा ली, कभी थोड़ा रेस्ट कर लिया. बट इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट दैट स्टेज, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज है. दैट स्टेज लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन इट गोज टू द ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, असी उन्हों फ्रोजन स्टेज कहते हैं. सो फर्स्ट स्टेज जिथे सिर्फ पेन आती है, दैट इज द फ्रीजिंग स्टेज. सेकंड स्टेज आती है जिन्होंने असी फ्रोजन स्टेज कहते हैं, जिस मैक्सिमम स्टिफनेस सेट इन होनी शुरू हो जाती है एंड पेशेंट रियलाइज करता है कि वो पेन हूँ स्टिफनेस में बदलनी शुरू हो गई है. एंड दैट इज द टाइम द पेशेंट स्टार्ट्स अप्रोचिंग द डॉक्टर. बट अगर उसनों फर्स्ट स्टेज से अप्रोच कर लिया जाए फ्रीजिंग स्टेज से, देन इट इज ईजियर टू डील विद एंड क्विकली गिव्स द रिजल्ट्स. सो द मेन थिंग हियर इज दैट पेशेंट्स शुड स्टार्ट अप्रोचिंग द फिजिशियन एंड द फिजिकल थेरेपिस्ट इन द वेरी फर्स्ट स्टेज व्हेन द पेन कम्स अप, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द पेन. पेन द फर्स्ट स्टेज फ्रीजिंग जिस पेन आ रहा है, सेकेंड स्टेज जिस स्टिफनेस आ जाती है, एंड थर्ड स्टेज कई बार पेशेंट्स नू डॉक्टर्स कहते हैं कि ओ अपने आप ठीक हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर है, अपने आप ठीक हो जाएगा. वो अपने आप ठीक तो हो जाएगा, बिकॉज द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड थाइंग स्टेज, जिदे विच वो हौली हौली अपने आप रिकवरी आनी शुरू हो जाती है. बट ये तीनों स्टेजेस कुछ महीनों तो लैके कुछ साल तक लेंदे है, जिदे विच कि पेशेंट की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड पेशेंट की स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है. सो अगर पेशेंट डॉक्टर की गल मान के सपोज अगर नहीं जाता थेरेपिस्ट को, ही विल रीगेन हिज द पेन चली जाएगी, स्टिफनेस चली जाएगी, पर उसकी मोबिलिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी एंड इट विल बी क्वाइट लो, जिदे करके पेशेंट लॉन्ग रन दे विच सफर करता है. ओदी अपनी जो रोजमर्रा दी जॉब हुंदी है उसचो सफर करता है. ही कांट डू द रूटीन एक्टिविटीज एज सिंपल एज कुकिंग. कई बार लोगों को कुकिंग करनी नहीं औखी हो जाती, कई बार ड्राइविंग करनी औखी हो जाती है, बिकॉज दे डिड नॉट पे अटेंशन एट द राइट टाइम. नॉट टू मेंशन अगर तुसी हां जी वेट कर दे हो, देन इन्ने महीने या साल तुसी ओवर कॉम्पनसेट दूजी साइड ते कर रहे हो, ते ओ भी चंगा नहीं हैगा, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट कि तुसी टाइमली इस चीज़ नू ट्रीट करो, रेकगनाइज करो, बट ए तुहाडी लाइफ लॉन्ग पूरे शरीर दे नाल, आई मीन ऑफकोर्स ए चीज़ तुहानू अफेक्ट कर सकती है. डॉक्टर सोनी तुसी कह रहे सी? I was just trying to follow up on what Pallavi is saying. कि ये आप आपकी डॉक्टर की राय मानिएगा कि आप जो प्रॉब्लम है उसको राइट अवे एड्रेस करिएगा. दूसरा, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर में यही है, द की टू गेटिंग बेटर इज टू मूव एज क्विकली एज यू पॉसिबली कैन, मीन्स रिस्टोर योर मूवमेंट्स एज क्विकली एज यू कैन. क्योंकि अगर दर्द हौले हौले कम हो जाएगा दवाया खाने से, अच्छी बात है, बट अगर आपकी मूवमेंट चली गई तो आपके फंक्शंस नहीं होंगे. एज फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप अपने हाथ से कोई ऊंची चीज, घर में जैसे किचन में है या कोई ऊपर शेल्फ पर है, वो चीज आप आराम से जो उठा सकते थे पहले, वो फ्रोजन शोल्डर होने से वो आपकी एबिलिटी नहीं रहेगी उठाने की, रीच कर कर. दर्द चला जाएगा तो भी, लेकिन मूवमेंट भी चली जाएगी. तो मूवमेंट नहीं जाए इसके लिए आप बन सके उतना जल्दी उसको एड्रेस करिएगा. एंड द की टू गेटिंग बेटर इज जस्ट नॉट टेकिंग मेडिकेशंस बट मूव. एंड इवन मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि तुहानू अगर इस चीज़ के नाल थोड़ी हैजिटेशन हैगी कि मैं किस तरह मूव कराँ ताकि मैं होर इनू वर्स ना कर ला, होर इंजरी ना पा ला ये, इत्थे ही तुसी एक मेडिकल प्रोफेसनल का ओपीनियन लैके उन्हां दी राय सलाह करके, जिस तरह डॉक्टर सोनी की प्रैक्टिस हैगी, तुहानू तुहाडी स्पेसिफिक मेडिकल हिस्टरी, तुहाडी एज, तुहाडी हैल्थ, तुहाडी फिजिकल हैल्थ नू वेख के तुहानू एक प्लैन दस दे किस तरह तुसी इस चीज़ तो रिकवर हो सकते हो. बट डॉक्टर सोनी, फ्रोजन शोल्डर तो चलो एक कॉमन मोडे की कंडीशन हैगी, बट खास करके साड़ी कम्युनिटी विच तुहानू होर किस तरह की मोडिया की प्रॉब्लम्स वेखन नू मिलती है अपनी प्रैक्टिस विच? सो कैन वी, लेट्स गो बैक टू द विजुअल्स अगेन. जी. एंड सो दिस इज वन, नेक्स्ट वन. या सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर,
बट इसको बताने का मीनिंग इतना ही है कि आपकी जो हड्डियां होती है मोटे की, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स होते हैं, एंड वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से साथ में काम करते हैं, और जैसे कि टीम वर्क है, और वो टीम के चार मेंबर्स है, वो चार मेंबर्स बनकर आपके मोटे को हिलाते हैं, वो चार को कलेक्टिवली हम रोटेटर कफ बोलते हैं। और अगर आपने ये भी सुना होगा कि किसी को रोटेटर कफ टेयर हो गया, या किसी को रोटेटर कफ इंजरी हो गई, तो रोटेटर कफ ये है कि ये चार मसल्स का बना हुआ कफ है, जैसे कि सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपके मोड़े को कवर करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड सो हमारे कम्युनिटी में दो चीज होती है, जैसे सब में होता है कि एक तो रोटेटर कफ इंजरी, और रोटेटर कफ इंजरी जो आप पहले स्क्रीन पर देखा, इट कैन हैपन टू एनी एज ग्रुप, इट कैन हैपन टू ए वेरी यंग पर्सन, इट कैन हैपन टू एन एल्डरली पेशेंट, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट्स, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ए फोर्सफुल इंजरी, इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ए मोटर व्हीकलर एक्सीडेंट और ए स्लिप एंड फॉल। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो आर्थराइटिस है, वो जो वेयर एंड टेयर होता है, जैसे आपके घोड़े में वेयर एंड टेयर होता है, वैसे आपके मोड़े में भी आर्थराइटिस हो सकता है, एंड दैट इज कॉमन इन आवर कम्युनिटी। अभी वेयर एंड टेयर के साथ अगर आपको और भी कोई बीमारी है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या आपको जस्ट सिंपल यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, देन वो इट एड्स अप टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट शोल्डर पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड ये जो है डिसलोकेशन है, दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ एन इंजरी, जैसे कि कोई बड़े हाइट से गिर गया, या कार एक्सीडेंट में इतना जोर से झटका लगा कि उनका शोल्डर जॉइंट गेट्स डिसलोकेटेड। दिस नीड्स एन अर्जेंट अटेंशन, यू मे नीड नॉट यू मे यू मस्ट हैव टू गो टू अ ईआर एंड गेट इट प्लेस्ड इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ज्यादातर जैसे गोडे का आपने सुना होगा टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, वैसे शोल्डर का भी रिप्लेसमेंट होता है, बट दिस इज नॉट एज कॉमन एज द नी, बट इट डज वी डू सी पेशेंट विद शोल्डर रिप्लेसमेंट, जिन पेशेंट का मीन्स आर्थराइटिस इतना बढ़ गया हो, या आपका जॉइंट इतना डिस्ट्रॉय हो गया कोई डिजीज प्रोसेस से कि आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन ऑल कम्युनिटीज, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पेशेंट ग्रुप। जैसे हमारी कम्युनिटी में भी लोगों का शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है। सो ऑल इन ऑल द कॉमनेस्ट थिंग वी सी इज शोल्डर पेन विच इज ड्यू टू रेपिटेटिव मूवमेंट्स, एंड दैट कैन बी सम इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल स्ट्रिंग्स, व्हाट वी कॉल टेंडिनाइटिस, एंड देन वी डू गेट पेशेंट्स विद रोटेटर कफ इंजरी, विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ एन एक्टिविटी और एन ओवर एक्टिविटी, एंड द लास्ट कैटेगरी इज वेयर एंड टेयर और आर्थराइटिक चेंजेस, दैट फॉर्म्स ए मेजर बल्क ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि वो आपकी एजिंग की वजह से, आपके जो आपके हैबिचुअल यूज है आपके शोल्डर का, उसकी वजह से ये दर्द होता है। एंड वी डू हैव सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स, आई एम श्योर पल्लवी विल पुट इन सम जी लाइट ऑन इट। जी डॉक्टर सैनी, खास करके थोड़ी प्रैक्टिस, आई मीन 19 साल तो डॉक्टर सोनी ने इस प्रैक्टिस में एस्टैब्लिश किया, एंड यू हैव स्पेशलिस्ट राइट फिजिकल थेरेपी दे विच भी तुसी वक् वक् तरह के अपनी टीम दे विच स्पेशलिस्ट रखे हुए, यूनिकली तुसी इस सारे केसिस नू हैंडल करते हो। सो डायनामिक फिजिकल थेरेपी मोडिया की इस खास करके इस तरह की प्रॉब्लम नू यूनिक तरह किस तरह ट्रीट करती है? So I will let me just put one word, and then I would want Pallavi to help me. The one major difference between our practice and the rest is that we have advanced technology which is called musculoskeletal ultrasound. Using that technology, we can pinpoint के मोड़े में क्या प्रॉब्लम है। ये सोचिए क्या कोई मोड़ा पूरा खोलकर देखे अंदर से कहाँ प्रॉब्लम है और फिर बंद करे without cutting your body. जी. That kind of technology is available, जी. and that's called musculoskeletal ultrasound. जी. So we use that to help you identify कि आपको सच जी. में गल क्या है, और जी. बाद में उसको देखकर we devise a treatment plan for you. जी. जी. Follow me?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਕਲੋਸਕਲੇਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਫੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂ ਨੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਦਾ ਅਰਗਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਰਗਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੈਵੀ ਵੇਟਸ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਲ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ ਅਰਗਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਯੂ ਨੋ ਟੈਕਲ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ So once the patient understands what is leading to the problem, they can find out alternate ways to handle that. So we help the patient analyze that and usto baad analyze karke assi patient nu treat karde hain. And since that is a part of the job or that is a part of their routine activity, we help the patient to strengthen the muscles that are going to be active in that particular sports or in that particular activity. And we guide them about the regular stretching and strengthening that the patient needs to do in the routine and in the future to avoid the recurrence of this problem. Ki dubara tuhanu problem nahi hoye, unu avoid kiddan kita ja sakda hai. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਨੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵਰਥ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਗੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਟਿਪਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਐਟ ਹੋਮ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦਵੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਵਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਮੋਢੇ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋ ਤੋ ਜੈਸੇ ਆਪ ਫਿਲਮ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਆਪ ਆਪਕੀ ਜੋ ਲਾਸਟ 24 to 48 hours में आपने जो physical activity क्या की मोटे से उसको rewind करके आप review करके लिख लो कि कहाँ आपको दर्द शुरू हुआ ये आप डॉक्टर के लिए बहुत helpful रहेगा आपको help करने के लिए एक ये tip है दूसरा कि आप कोई सब activity जैसे हम बता रहे कि forward reaching है तो उसकी opposite activity करो I'll give an example कि मैं हर वक्त कुछ भी चीज आगे उठाता हूँ कुछ भी वजन लेकर ऊपर मेरे बॉडी के आगे रखता हूँ तो यू थिंक ऑफ मूविंग द शोल्डर बैक Or moving the shoulder back can be done very easy. One of the easiest example is rolling your shoulders back or shrugging your shoulders. So, jaise hum aise jhuk kar baithe rehte pura din, to uski jagah pura kandha upar kar kar piche karo. On the screen, you cannot see me, but rolling the shoulders back. I think that is the easiest movement you can do. Shrugging, jaise kandhe upar karna hai, shrugging and rolling your shoulders back periodically. That will relieve a lot of pressure on your shoulders. Aur teesra, bahut hi ahem baat hai, कि यू गेट इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल टू डू एक्टिविटी एट होम विच विल मेंटेन द शोल्डर स्ट्रेंथ एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्टिविटी फॉर यंग ग्रुप इज कॉल्ड द प्लैंक अगर आपने वो किया तो आपकी वो शोल्डर की स्ट्रेंथ और रोटेटर कफ जो हम बता रहे उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखेंगे ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟ ਕੁਛ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ ਇਨ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊਅਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਯੂ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਫੋਕਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਡੂ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ
So it's easy. We will go through the screen, go through our website, we'll be able to help. जी एंड यू एक्सेप्ट ऑल इंश्योरेंसेस व्हिच इज आज दी डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैगी सो अपन एक वीडियो देखने जा रहे हैं इहदे बारे सानू थोड़ा दसो प्लीज इट्स ए मींस अगेन Pallavi is a great clinician and this is one of our success stories this patient was treated with by two of our staff members Geetu and Pallavi and just wanted to share their success story with our viewers ji tusi video vekh sakde ho hi myself I'm Jacob Kevargis I'm so happy today like it's been almost 1 month when I came here I have a problem on my shoulder like I couldn't lift things I was working at the gym and one day I couldn't work out like before so I thought I need something like a treatment or something and I came here dynamic physical therapy and I'm so happy today it's been almost 1 month and with the treatment now I can lift the things like I couldn't move my hands before like this in this way or in the sideways whatever but now it's I can feel the change the doctors and all the staff over here were so supporting like the services were so pleasing I don't know how to express my feelings right now I'm so happy, especially Pallavi and Jitu are treating me mostly. And I'm so happy. I could feel the change. Thank you, everyone. And thank you, staff, especially to Pallavi and Jitu. Thank you so much. आई थिंक पेशेंट दी आपां कह सकते हैं बयान तो आपां ये सुन सकते हैं मोर दैन एनीथिंग एल्स ही इज सो हैप्पी कि तुसी इस चीज़ दे विच उन्हां दी हेल्प कीती मैं इत्थे ये जरूर एक बार फिर मैंशन करना चाहती हूँ कि तुहाडी प्रैक्टिस विच डॉक्टर सोनी तुसी अपने पेशेंट्स की भाषा बोलते हो राइट सो अज तुसी जस पंजाबी ते जुड़े हो साडे व्यूअर्स जो वेख रहे तुसी पंजाबी बोलनी है अपने फिजिकल थैरेपिस्ट दे नाल तुसी डॉक्टर सोनी दी प्रैक्टिस विच जाके जरूर इस चीज़ दा आपां कह सकदे आ फायदा लै सकदे हो वंस अगेन डॉक्टर सोनी डॉक्टर सैनी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मोडिया दी तुसी सानू जानकारी दित्ती तुहाडी स्क्रीन ते लिखी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैं व्यूअर्स नूं एक बार फिर दसना चाहती हूँ डॉक्टर सोनी पेशेंट्स एक्सैप्ट कर रहे अपॉइंटमेंट्स लै रहे ते तुहानू फोन दे राही भी कंसल्टेशन कर सकते हो जरूर तुसी इन्हां दे नाल कॉन्टैक्ट बनाओ Dr. Soni and Dr. Sani, have a good rest of your week. Happy Thanksgiving, and we'll see you next week. Sat Sri Akaal. Happy Thanksgiving. जी इस प्रोग्राम नूं लैके साडे लई कोई क्वेश्चंस कमेंट्स कंसर्न्स सानूं भी कॉल कर सकदे हो info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com हुण मैनूं दिओ इजाजत सत श्री अकाल